तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। किसानों के भारत बंद के आह्वान से रेलवे, हाईवे और मेट्रो सेवा पर गहरा असर पड़ा है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कारों का लंबा रेला दिखा गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और कुंडली मानेवर एक्सप्रेस NH9 और NH24 पर भीषण जाम लगा है। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जाम कर दिया है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर को भी ब्लॉक कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था। इसका असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल रहा है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से लाल किला और एक अन्य मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। भारत बंद सुबह 6 बजे शुरू हो गया था और यह 4 बजे तक चलने वाला है। किसान संगठनों ने सभी देशवासियों को बंद में शामिल होने के साथ साथ पूरी तरह से सफल बनाने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद के दौरान शांति बनाए रखने की भी अपील की है। 40 से अधिक किसान संगठनों के निकाय SKM ने ये बयान में कहा है, पिछले साल 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 किसान विरोधी काले कानून को मंजूरी दी थी और उन्हें लागू किया था। कल सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक यानी कि आज देश भर में पूरी तरह बंदी रहेंगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और एम्बुलेंस समेत किसी भी आपात सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। बंद को कांग्रेस, लेफ्ट, राजद समेत 10 से भी ज्यादा विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। बिहार में राजद कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाहबाद इलाके में किसानों के बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। किसान इस दौरान नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि वहां ट्रकों की लंबी कतारें भी लगी है। जब ये भारत सरकार सुनने कान खोल गए, इन कानूनों को वापसी ले लो, जितना जल्दी ले लोगे आपके फायदे में होगा, नहीं तो ये आंदोलन पूरे संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश भर में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आपके जहां जहां चुनाव होंगे, आपके चुनाव पे वोट की चोट करने का काम करेंगे।